टेस्ट विद ममता की किचन से मैं ममता शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार होटल स्टाइल, ढाबा स्टाइल बिल्कुल लाई हूँ शाही पनीर की रेसिपी, जो आप देख सकते हैं कि हलवाई किस ट्रिक से बनाते हैं, क्या उनकी रेसिपी होती है, कितना उनका रेसी होता है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर जानकारी उसकी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल इतना सुपर सॉफ्ट बना है कि बस मुंह में जालते ही एकदम ये घुल जाएगा। तो ये देखिए, इसका टेक्सचर देखिए आप, इतना सुपर सॉफ्ट है ये कि बस इसको सॉफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ खास ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है जो होटल वाले करते हैं, हलवाई लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये शाही पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सामान तैयार करके रखा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका पनीर इतना मज़ेदार बनेगा कि आप भूल नहीं पाएंगे उसका टेस्ट। तो मैं बहुत ही आसान सी रेसिपी मेरी रहती है, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आपको किस तरह से बिल्कुल बिना मेहनत के, बिना किसी उसके, सब चीज़ बता पाऊँ, आप तक ये रेसिपीज पहुँचा पाऊँ। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया है यहाँ पे 300 से 350 ग्राम करीब मेरा पनीर है, और यहाँ पे मैंने 2 टमाटो चॉप करके रखे हुए हैं रफली, यहाँ पे मैंने 3 प्याज मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे कट करके रखे हैं, और एक छोटा टुकड़ा था ये अदरक का, मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है। 2 लाल सूखी मिर्चें हैं, आप चाहें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिर्च आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। मैं यहाँ पे चाहती तो सूखी जो पाउडर होता है ना लाल मिर्च का, वो इस्तेमाल करती, लेकिन इसको डालने से थोड़ा कलर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने ये 10-12 कलियाँ यानी एक गांठ करीब लहसुन के लिए है, और कुछ यहाँ पे मैंने खड़े मसालों का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ को। चलिए, तो यहाँ पे मैंने गैस में कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें बहुत थोड़ा सा यहाँ पे ये ऑयल डालेंगे। ये मैंने आधी चम्मच या एक चम्मच करीब इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है, और तेल को हम बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए, तेल यहाँ पे बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें इसमें ऐड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये लाल मिर्च इसमें डाल देती हूँ, लहसुन भी डाल देती हूँ, ये अदरक, और ये थोड़ा सा मैंने काजू लिए हैं। तो ये टोटा वाला काजू है, मैं इस तरह की ग्रेवी बनाने के लिए ये अलग से इसको परचेस करके लेके आती हूँ, ये इससे ठीक रहता है और ये हमें रिजनेबल भी पड़ता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा सॉटी कर लेते हैं हल्का हल्का। शाही पनीर तो सभी घर में बनता है और सबका अपना अपना एक तरीका होता है, तो आप अगर एक बार इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा ये ब्राउन नहीं करना है। तो ये थोड़ा हल्के हल्के सोटी से हो गए हैं। अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, और ये मोटी काली इलायची, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 8-10 दाने ये काली मिर्च के, और एक चम्मच ज़ीरा और एक तेज़पत्ता। तो इसको भी हम इसी में मिला देते हैं, और इसको अच्छे से ये भी थोड़ा सा हल्का हल्का सोटी कर लेते हैं। ये प्याज डाल देते हैं, और ये टमाटो भी इसमें ऐड कर देते हैं, और अब हम इसमें थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा आधी चम्मच करीब नमक डाल देंगे, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हम इसमें बाद में भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं, और इनको थोड़ा सा हल्का हल्का इस तरह से चलाते रहेंगे। तो ये हमने हल्का हल्का इसको चला लिया है ना, अब हम क्या करेंगे इसमें कि थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, इसको हम थोड़ा थोड़ा मिला देंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, कुछ भी नहीं करना है आपने। आप देखिए, अगर एक बार इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपको इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये देख लीजिए, ये मैंने डाल दिया है ना, तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको कम से कम 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे, ठीक है।
तो इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रख देते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम में कर लिया है, ठीक है ना। तो 5 मिनट बाद आपको दिखाते हैं, तब तक मैं पनीर वगैरह कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको कुक होते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके, तो अब हम इसको खोल के चेक करते हैं। चलिए ये देखिए, इसमें जितना भी मैंने पानी डाला था सब सूख चुका है, ठीक है, और ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो इस बीच हम क्या करेंगे, इस गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको आपने पीसना है वैसे तो, लेकिन गर्म नहीं पीसना है। गर्म पीसेंगे तो ये बिल्कुल भाप बनेगी और पूरा मिक्सी में सब इधर उधर फैल जाएगा मिक्सी से ना, तो वो काम नहीं करना है। तो इसको हम इसी तरह से पहले अच्छे से ठंडा होने देंगे, बिल्कुल ठंडा। ये नहीं कि गुनगुना है तो पीस लें, बिल्कुल नहीं। तो इस बहाने से ये मैंने इसीलिए खड़े मसाले वगैरह सब इसमें पहले डाल दिए, ताकि हर मसाले का अपना टेस्ट आए और कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट ना जाए। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको पहले अच्छे से ठंडा होने देते हैं और वेट करते हैं इसके ठंडे होने का, ठीक है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स जब तक ये ठंडा हो रहा है तो तब तक हम क्या करते हैं, इसको नीचे रख लेते हैं और यहाँ पर पैन रख के पनीर को तैयार करते हैं। जब तक तो ये पनीर को तैयार करने के लिए यहाँ मैंने गैस में एक पैन रख दिया है और गैस ऑन कर दी है। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, पनीर को ना बहुत हल्का सा हल्का हल्का ब्राउन सा करेंगे, बहुत ही हल्का सा। ऐसा करने से इसका बहुत ही बढ़िया एक स्मूदी सा टेस्ट आता है और पनीर एकदम इतना बढ़िया बनेगा ना कि इसका टेस्ट हमेशा याद रहेगा। ये बहुत टेस्टी बनेगा। बहुत हल्के हल्के हाथों से आप इसे हिलाइएगा। मैंने ये पनीर को डायरेक्ट वहाँ पैन से उतार के यहाँ इसमें दूध में डाल दिया है। इससे क्या होगा कि ये एकदम जब दूध सोखेगा ना थोड़ा थोड़ा, ये जैसे ही दूध को सोखना शुरू करेगा तो ये क्रीमी होता चला जाएगा। ये पनीर जब आप खाएंगे मुंह में जाते ही घुल जाएगी, इतना ज़्यादा यमी बनेगा। तो ये एक बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है, बहुत ज़्यादा। ये तरीका हर किसी को ना मालूम होता है, ना ही हर कोई बनाता है। ये हलवाइयों का तरीका है, तो हलवाई लोग बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं और उनका तरीका बहुत सिंपल होता है। लेकिन कुछ खास ट्रिक्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से उनका खाना नॉर्मल खाने से बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो उनकी यही छोटी सी ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप भी एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखिए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत आराम से ये बन जाता है। तो इस तरफ ये मसाला भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, मैंने ये जार लिया है और उसमें हम इसको ट्रांसफ़र करके पीस के इसका एक फाइन पेस्ट बनाते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, ये मैंने सारी तैयारी यहाँ पे कर ली है। गैस मैंने देखिए, फिर वही कढ़ाई मैंने इसमें रखी हुई है और ये जो ऑयल था ना जिसमें मैंने पनीर को थोड़ा सा सोटी सा किया था, ये बस एक बड़ा चम्मच करीब इसमें ऑयल डाला है मैंने। तो बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा ऑयल आ चुका है। तो इस ऑयल को भी बहुत ज़्यादा तेज़ हम नहीं गर्म करेंगे। इसी बीच सबसे पहले मैं ये एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी, ये आधी चम्मच करीब हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च मैंने पहले भी इसमें इस्तेमाल की है, और बहुत थोड़ा सा ये धनिया पाउडर डालूँगी। और इसका टेस्ट और ज़्यादा टेस्टी करने के लिए ये 1/4 टीस्पून करीब मैं ये सौंफ का पाउडर डाल रही हूँ। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, आप डालिए, बहुत यमी इसका टेस्ट आता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके खाने को बहुत ज़्यादा यमी बनाती हैं। तो ये मैंने डाल दिया है। नमक मैं अभी ऊपर से बाद में डालूँगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सोटी सा कर लेते हैं हल्का सा। ये कश्मीरी लाल मिर्च डालने से कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। और ये देखिए, तो अभी हम थोड़ा सा गैस को यहाँ पे हल्का सा बढ़ा लेते हैं। तो इसको हल्का सा मैंने मिला दिया ना, सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। बस इसको जलाना नहीं है, ये मसाला जलना नहीं चाहिए वरना ये पूरा टेस्टलेस हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको बहुत तेज़ गर्म में नहीं डाला। तो तेल बिल्कुल गुनगुना था, गुनगुने तेल में ही डालिएगा आप इसे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये मैंने इसका पेस्ट बना के तैयार कर दिया है सारा, इसको इसमें हम ऐड कर देते हैं। इसका कलर देखिए, ये बनने के बाद इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा ये। और ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्रीमी क्रीमी सा। और एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास काजू अवेलेबल ना हो घर पे किसी कारण से, या कभी कभी हो जाता है कि नहीं होते हैं, तो उसकी जगह पे आप इसमें जो कच्ची मूंगफली होती है ना जिसको सिंगदाना कहते हैं,
तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेम क्वांटिटी में। तो उसका भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें काजू डाले हैं या मूंगफली डाली है, बिल्कुल नहीं पता चलेगा, ये मैं गारंटी से आपको कहती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा उसका टेस्ट आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा कुक कर लेते हैं, वैसे ही पका हुआ है, फिर भी इसका मसाला पकना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए इसका मसाला बहुत अच्छे से ये कुक हो चुका है, अच्छे से इसमें उबाल आ रहे हैं और ये इधर उधर छटक रहा है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अभी प्लेट रखी थी वो हटा दी है। तो इसी बीच हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे। अभी तक मैं इसको फुल फ्लेम में ही कुक कर रही थी। तो ये देखिए ये जो मैंने बना के रखा हुआ है ना इसमें दूध में डाल के, इस बीच हम इसमें ये सारा कुछ ऐड कर देंगे। और अब देखिएगा आप इसका कमाल, ये जो बनेगा ना पनीर आपका, ये पनीर इतना स्मूथी होगा ना, बहुत ही यमी मज़ेदार और एकदम कमाल का इसका टेस्ट आएगा। तो ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और आप एक बार इसको ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहले पहुँच जाए। तो ये देखिए इसका टेक्स्चर देखिए, अब हम इसको फुल फ्लेम में एक बार फिर से, अभी हम इसको थोड़ा सा एक उबाल आने देते हैं और उसके बाद आपको सर्व करके दिखाते हैं। चलिए गाइस ये देखिए ये शाही पनीर बनकर बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं इसका कलर देखिए आप पहले, और इसका ये टेक्सचर देखिए इतना बढ़िया बना है, और ये देखिए पनीर इतना सुपर सॉफ्ट बना है ना कि बस आप कहेंगे कि मैडम आपने बहुत ही ज़्यादा इतनी बढ़िया आपको ट्रिक बताई है इसको एकदम सॉफ्ट करके दिखाने की। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें गरम मसाला इसलिए ऐड नहीं करा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें बहुत कुछ गरम मसाले डाल चुकी हूँ। तो खड़े मसाले मैंने क्या करा है ना, आपको मालूम है कि मैंने इसमें पीस दिए हैं, अगर मैं किनारे कर देती तो शायद थोड़ा वो कम हो जाते है ना, तो इसलिए मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला है। अभी हम इसको थोड़ा सा धनिए से यहाँ पर गार्निश कर लेंगे और आप देख सकते हैं इतना बढ़िया, इतना टेस्टी, इतना यमी बना है ये कि ये बनते ही सारा साफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।